हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अस्थाना, जो कि आलोक के गांव के ही रहने वाले हैं, आलोक मौर्या के गांव के रहने वाले हैं, और सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। दरअसल आलोक मौर्या के भी पूरे परिवार को जानते हैं, ज्योति मौर्या के भी परिवार से ये ताल्लुक रखते हैं। सर, जिस तरीके से ये मामला निकल कर सामने आया आलोक और ज्योति वाला, क्या कहेंगे, आपका पहला रिमार्क क्या है इस पर? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्य इस पूर्ण इस संदर्भ में कि वो हमारे गांव में बहू बन करके आई और एक ऐसे परिवार में आए जो शिक्षित परिवार था, सारे लोग पढ़ने लिखने वाले थे। उनके न केवल ये आलोक मौर्या बल्कि उनके चचेरे भाई लोग भी अच्छे अच्छे जगहों पर हैं पढ़ लिख करके, और हम डीएवी कॉलेज में थे, यहीं पर वो पढ़ते थे। उनके भाई वगैरह रिश्ता, मतलब चचेरे भाई वगैरह जो थे। हमारा जो सबसे बड़ा यह है कि इतने महत्वपूर्ण पद पर पहुँच करके और इस तरह का स्टेप उठा लेना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जो सबसे बड़ा विवाद है, और ज्योति मौर्य का जो बार बार आरोप है कि उसने शादी झूठ बोल के आलोक ने की, आलोक ने अपने आप का, आलोक के फैमिली ने ये कहा कि आलोक जो है ग्राम पंचायत अधिकारी है जबकि वो सफाई कर्मचारी था, तो ये ज्योति को बहुत बड़ा गहरा चोट पहुंचा था, धक्का पहुंचा था जब वो शादी करके आई थी। तो इस बाबत ज्योति के फैमिली से या फिर आलोक के फैमिली से आपकी बातचीत, क्या कोई इस तरीके से झूठ बोला गया था? देखिए, ऐसा है कि गाँव में तो कोई इस तरह का कार्ड नहीं बटा था, जैसा कहता है कि कार्ड में लिखा था कि वो क्या है, किस पद पर है। वास्तव में यह स्थिति थी कि इन लोगों का पहले से भी परिचय था, वहाँ से जब वो अपने मायके में अपने गांव में थी जो है, तो परिचय किसका आलोक और ज्योति का परिचय पहले से था। आलोक के चचा उसके बगल में रहते थे, उनके परिवार के बगल में रहते थे, उनकी माँ जो है वो दुकान के पिताजी करते थे, वो उसके ये जो थी चक्की वक्की वगैरह था, जैसा लोग बताते हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आलोक के चाचा कौन, क्या नाम हुआ उनका? वो झुराली मौर्या थे, उसी गांव में, मतलब ज्योति के गांव में जाया करते। वहीं पर उनकी तैनाती एज ए पुलिस हुई थी, वहां पर थे वो, तो ये जाते होते रहते थे और उसी में शादी हुई। शादी होने के बाद वो यहाँ आई, यहाँ इन लोगों ने उसको पढ़ना चाहती थी, तेज थी पढ़ने में, पढ़ाया लिखाया उसके लिए सारे त्याग। अच्छा, ये बताइए, हमारे एक सवाल समझ में नहीं आते, 10 साल तक पता नहीं चला कि मतलब झूठ बोल करके शादी की गई थी, और 10 साल तक निर्वहन किया जा सकता तो आगे क्यों नहीं निर्वहन किया जा सकता था? यह प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? मतलब आपको मालूम हो गया, और जब शादी होने के बाद ही मालूम हो जाएगा कि वो क्या थे, शादी के बाद मालूम हुआ तो फिर क्यों नहीं जो है आप उसी समय जो है स्टेप ले सकती थी? और जब वो पढ़ा रहा था, आपके साथ था, दो दो बच्चों की माँ, बच्चियों की माँ बनी है, तो अब पता चला, जब आपका एक वास्तव में यह था कि जब एक स्तर हो गया तो यह लगने लगा कि वो भाई बहुत छोटे स्तर का, हमारे सारी चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं। तो 10 साल किसी के साथ, 10 में शादी हुई थी, 23 में अब यह चीज़ हो रही है, 13 साल का समय गुजर जाना मामूली समय नहीं होता है। तो प्रश्न यह है कि ये इसने बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है समाज पर, हमारे गांव में तो विशेष रूप से, वहाँ यह तक लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चियों को तो पढ़ाया जाए, बहुओं को न पढ़ाया जाए। तो यानी जो आप कह रहे हैं कि जो झूठ बोला गया शादी को लेकर कि वो सफाई कर्मचारी या फिर वो, गांव में ऐसी कोई बात नहीं थी, गांव के लोग तमाम लोगों से आप जाके पता कर सकते हैं, बहुत छोटे से लेकर के ऊपर तक के ठाकुर ब्राह्मण लोग से लेकर धरिकार तक बारात में गए थे, कार्ड बांटे थे, तो कार्ड में तो कहीं नहीं लिखा गया था कि वो ब्लॉक के अधिकारी हैं या कुछ हैं। कार्ड की जब बात होती है तो कार्ड एक वायरल भी है जिसमें लिखा हुआ है कि आलोक मौर्या ग्राम पंचायत अधिकारी, खैर वो कार्ड हो सकता है ज्योति मौर्या की तरफ से छपा हो, लेकिन ये बात अहम आप बता रहे हैं कि शादी से पहले आलोक और ज्योति के जो परिवार हैं वो दोनों एक दूसरे को जानते थे काफ़ी पहले से, क्योंकि इनके जो चाचा थे आलोक के चाचा झुराली, जिनका नाम आप बता रहे हैं, वो वहीं पर तैनात थे, वहीं पर थे, बनारस में ही थे, और दोनों परिवार एक दूसरे को कई सालों से पहले ही से ही जानते थे। परिवार का एक दूसरे की जानकारी थी, ऐसा जो है मुरली माठ साहब से भी बातचीत में हुई कि नहीं, जानकारी में थी परिवार, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो जानकारी में था तो एक ऐसे नहीं पता चलेगा कि किसका पद पर खाए। अगर आप वास्तव में जब संतुलन जब तक था तब तक तो ठीक था, वो भी इंटरमीडिएट पास थी, उसका भी परिवार गरीब था,
ये भी इन्होंने पढ़ाया, लेकिन जब डिसबैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ कि वह पीसीएस हो गई, ये वहाँ जहाँ का तहाँ रह गया। प्रश्न यहीं से होता है। ये जो दहेज की बात ज्योति ने आरोप लगाया कि 50 लाख रुपया एक फ्लैट, इस पर क्या कहेंगे आप? ना तो वो दहेज लेने में सक्षम थे उतने उनके परिवार वाले, न दहेज देने में सक्षम थे, और दहेज देने में भी नहीं सक्षम। 50 लाख या 25 लाख की कोई बात ही नहीं थी, 5000 रुपये की बात थी तो भी नहीं। मुरली माठ साहब लिए, मुरली माठ साहब एक ईमानदार अध्यापक थे, हमारे गांव के में भी प्रधानाध्यापक रहे होंगे, रहे हैं। और उसके बाद जब उन्होंने उनको आया था बनाने के लिए विद्यालय का जो भवन, तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर ईमानदारी से बनवाते रहे थे, कुछ लोगों ने आलोचना किया कि अरे इसे नहीं इसे करिए वैसे, उन्होंने छोड़ दिया था। अच्छा, छवि दूसरे तरह की है, मुरली माठ साहब की छवि दूसरे की तरह। ज्योति ने यह आरोप लगाया कि SDM बनने के बाद 50 लाख रुपए की डिमांड की गई और फ्लैट लेने की। भाई आप बहू हैं, SDM बनने के बाद कोई डिमांड करता है? आप उनकी बहू हैं, वो आपके ससुर हैं, आप मकान बनवाएं अथवा क्या बनवा लिया 50 लाख का डिमांड करके? आप देखे होंगे तो एक कमरा तो बना हुआ, दो ठो कमरा बना हुआ। अब मुरली माठ साहब प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, उनकी इतनी तनख्वाह थी कि वो जितना बना उतना बनवा सकते थे, उसके अतिरिक्त अगर कहीं बनवाया होगा तो आपने बनवाया होगा, आपने बनवाया तो आपका ही है वो, आप कोई अलग की तो थी नहीं। आप हमारे परिवार में 13 साल से रहें, 13 साल बाद हम आपसे 50 लाख का डिमांड करेंगे? हम लोग भी अपने यहाँ हमारे बहुआ आई हैं, हम लोग तो 1 रुपये हम लोगों ने शादी किया, और उसी तरह है, कुछ नहीं। हमारी दूसरी बहू मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो भी बीए पास है, हमारा लड़का भी स्टेप पहुँच चुका है, एक आध स्टेप पहुँचा है जो PCS का, उसमें तो क्या तो छोड़ देगा कि मैं PCS हो जाऊँगा? हो भगवान ने किया अगर हो जाए स्टेप, तो एक उठा ही लिया तो फिर वो छोड़ देगा? थैंक यू। तो ये थे प्रधानाध्यापक जी, रिटायर्ड हैं, लेकिन इनका साफ साफ ये कहना है कि जितने भी आरोप ज्योति मौर्या ने अपने फादर इन लॉ और पति पर लगाए हैं वो सभी बेबुनियाद हैं।